السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معزز الحاضرين انسان كي اپنی زندگی میں ہر معاملہ اس کی اپنی مرضی اس کی اپنی उसके अपने मातहत, उसके अपने ज़र खरीद उसकी अपनी मिलकियतें चाहे सवारियाँ हों कि जानवर हो या कोई और मामला हो या उसके साथ रहने वाले उसके अपने दोस्त हों या उसके अपने बीवी बच्चे हों वो हमेशा वैसे रहें जैसे आप चाहते हैं जैसे वो इंसान चाहता है ज़रूरी नहीं है कभी ऊँच नीच हो जाती है कभी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात या कोई काम हो जाता है तो ऐसे हालात में आपको अपने आप पे कंट्रोल करना अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना और इसी तरीक़े से फ़ौरी तौर पर रद्द ना करना इसकी आपको एहतियात करनी चाहिए इसका आपको ख्याल रखना चाहिए खसूस मैं आज इस ताल्लुक़ से आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी घर के मालिक हैं आपकी अपनी औलाद है आपके अपने नौकर चाकर हैं आपकी अपनी सवारियां हैं उनसे कोई ऊंच नीच हो जाए आपकी बीवी कुछ कर दे आपके बच्चे कुछ कर दें सवारियों में कुछ मसला हो जाए तो होता ये है कि आम तौर पर लोग गाली गलोज पे आ जाते हैं बद्दुआओं पे आ जाते हैं और बड़े अफ़सोस के साथ मैं अपनी बहनों से कहूँगा औरतों का इसमें मामला कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है जैसे नबी करीम सलाम औरतों के ताल्लुक से कहा कि लान नान तुम में ज़्यादा होता है माँ कोई काम कर रही हो बच्चा आकर के उस काम में कोई गड़बड़ कर दे फौरी उसने बुरा भला कह दिया गाली दे दी मार दिया मां बाप ने बच्चे को कोई काम करने के लिए कहा बच्चे ने नहीं किया तो बुरा भला कह दें यह तरीका नहीं है यह अखलाक नहीं है यह तरबियत का बेहतर अंदाज नहीं है कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाए रसूलुल्लाह वसल्लम पर कि जिनके यहां अनस ने मालिक रसी ने पूरे दस साल खिदमत की लेकिन कहते हैं कि पूरे दस साल में अल्लाह के नबी ने कभी मुझे उफ कहा हो कभी यह कहा हो कि एनस तुमने क्यों किया और कभी यह कहा हो कि एनस तुमने नहीं किया कभी आपने इसे नहीं कहा और कहते हैं अपने ताल्लुक से कि मैं आम बच्चों जैसा था कभी मैं भूल जाता कभी ऊँच नीच हो जाती कभी करना चाहता ना कर पाता कभी गलत सलत हो जाता लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी वैसे नहीं कहा तो ये उस्वा है हम तमाम के लिए कि हम सब्र से काम लें जब्त से काम लें और बच्चे के किसी मसले पर आकर के हम फौरी लान तान शुरू ना कर दें गालियाँ ना शुरू ना कर दें बदवाएँ ना देना शुरू कर दें चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बच्चा बड़ा हो चाहे गलती छोटी हो चाहे गलती बड़ी हो नबी करीमत ने फरमाया फिकम कि कभी अपने आप पर बदुआ ना करो ना अपनी औलाद पर बदुआ करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदुुआ जो अपने आप पर हो अपनी औलाद पर हो जब बदुआ निकल रही हो वो किसी दुआ की कबूलीत का वक्त हो और बदुुआ कबूल हो जाए मुमकिन है नबी करीम तो सलाम कहते हैं इबन हिब्बान की रिवायत है मुमकिन है कि आप अपने बच्चों को कोई गाली दे रहे हो नौजबिल्ला जो कि निफाक की नशानी है मुनाफात की आदत है मुनाफिकों का तरीका है गालियाँ देना कोई गाली दे रहे हो कुछ बुरा भला कह रहे हो बदुआ कर रहे हो और वो बदुआ का वक्त और दुआ की कबूलियत का वक्त मुआफिक हो जाए मैच हो जाए आपकी बदुुआ कबूल हो जाए फिर आप रोएंगे आप अफसोस करेंगे कि काश मैंने ना कहा होता काश मैंने ना किया होता जुरेज राहिब का वाक्य आपने सुना होगा जुरेज राहिब बड़े ही नेक इंसान थे एक मरतबा नमाज में थे माँ ने एक से चार मरतबा आवाज लगाई वो अपनी नमाज में थे परेशान थे माँ को जवाब दू अपनी नमाज मुकम्मल करो माँ ने सब्र न किया माँ ने बदुआ दे दी कि तुम्हारा किसी जानिया से पाला पड़ जाए और हुआ जिंदगी में ऐसे ही कि उन जुरैज राहब का एक जानिया से पाला पड़ गया जानिया ने इल्जाम लगा दिया कि जुरैज ने मेरे साथ जिना किया है तो इसमें शाहिद यह है इससे बताना यह है कि हो सकता है कि आपकी जबान से अपने बेटे के हक में बेटी के हक में या किसी के हक में कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए खास पर औलाद के हक में कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का हो आपकी दुआ कबूल हो जाए और बाद में आप अफसोस करें बच्चे से कहें कि आगे पछताएगा जरूर बच्चे को पछताना पड़े नौजुबिल्ला अपनी जबानों को कंट्रोल करें अपनी जबानों को कंट्रोल करें बच्चों पर कभी बद ना करें लानतें ना करें बच्चों पर गालियां ना दे बच्चों को बल्कि आपको करना ही होना तो उस दुआ दे दें दुआ देना अच्छी बात है अल्लाह तुझे हिदायत दे Allah, तुझे सही समझ दे अल्लाह तुझे सही रास्ता दिखाए अल्लाह ताला तेरी आखिरत दुरुस्त करे अल्लाह तारे तेरी दुनिया संवारे अल्लाह तेरे मामलात को दुरुस्त करे ये दुआएं दे दुआओं का फायदा ये भी होगा कि एक तो उसको दुआ लगेगी इन ताला, दुआ की कबूलियत का वक्त हो जाए तो उसे हिदायत मिल जाएगी उसके मामला सुधर जाएंगे और, और कोई बंदा दूसरों के हक़ में दुआएं भी करे तो फरिश्ता उस दुआ करने वाले के हक में दुआ करता है कि जब आप कहें कि अल्लाह तुझे हिदायत दे फरिश्ता कहता है अल्लाह इसे भी हिदायत दे जब आप किसी को कहते हैं कि अल्लाह तुझे अच्छा रखे फरिश्ता कहता है अल्लाह इसे भी अच्छा रखे तो कभी बदवाएं अपनी जबान पर ना लाएं और खास तौर तो पर वाले से मैं कहूंगा और वाले में से खास तौर पर वालिदाओं से कहूंगा माओ से कहूंगा कि अपनी जबान को कंट्रोल करें बच्चों को गालियां ना दें बच्चों को बदुआएं ना दें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया के तीन दुआएं ऐसी हैं जो बगैर किसी शक के यकीन कबूल हो जाती हैं उसमें से वालिद की औलाद के, के हक में दुआ वालिदैन औलाद के लिए दुआ करें ये दुआएं जरूर कबूल होती हैं तो आप दुआएं कर दे दुआएं कबूल हो जाएंगी आपकी बच्चे को हिदायत मिल जाएगी बच्चे को कामयाबी मिल जाएगी बच्चा दुनिया में संवर जाएगा बच्चे की आखिरत कामयाब हो जाएगी बजाय इसके आप बद दुआएं करें बजाय इसके आप गालियां दें यह किसी मोमिन का तरीका नहीं है किसी मुसलमान का तरीका नहीं है बिल्कुल ऐसे ही आ, अगर आप अपनी सवारी से मुतालिक जैसे आप कहीं बाइक पे जा रहे हो कार पे जा रहे हो कार सताने लगे बाइक सताने लगे आप अपनी बाइक को लानत करें अपनी सवारी को लानत करें किसी जानवर पे जा रहे हो बैठ करके जानवर पे लानत करें यह नहीं होना चाहिए इबन हिबानी की रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी करीमरासम कहीं काफिले के साथ जा रहे थे काफिले में एक आदमी था उसने अपनी ऊंटनी को कुछ बिठाना कुछ चलाना कुछ करना चाहा नहीं सुन रही थी उसने कहा लानकिल्ला अल्लाह तुझ पे लानत करे जैसे अल्लाह के रबी अलैहि ने यह बात सुनी आपने पूछा मन हाद लाइन بعيره ये कौन है जो अपनी सवारी को लानत कर रहा है उसने कहा कि मैं आपने कहा उतरो इससे फौरन आपने सवारी से उतरवा दिया उसको और अल्लाह के रबी ने कहा ला तसहबना बमलعون किसी लानत शुदा चीज को लेकर हमारे साथ ना रहो यानी अल्लाह के नबी को हो सकता अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ने अल्लाह से उस बंदे ने जो लानत की दुआ की लानत उस सवारी पे नासिल हो गई उस वक्त तो अपनी सवारियों पर लानतें अपने काम करने वालों पर लानतें ये चीजें दुरुस्त नहीं हैं। लान तह करना एक बुरी आदत है लान तान करना एक मुनाफत की निशानी है गालियां देना गालियां बकना तो मैं ख़ास तौर पर वालदे से गुज़ारिश करूँगा कि अपनी ज़बान को कंट्रोल दें लान तान ना करें बुरा भला ना कहें अपने बच्चों को बद दुआ ना दें गालियों के अल्फाज इस्तेमाल ना करें इसके मुकाबले में आप अपने बच्चों के हक़ में दुआएँ दें जो आपकी आँखों का ठंडक बनते हैं जो आपकी आखिरत का ज़ख़ीरा हैं अल्लाह की रजामंदी का सबब बन सकते हैं जन्नत में दर्जात की बुलंदी का एक बेहतरीन वसीला बन सकते हैं इनको अपना वसीला बनाए रखें इनको अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाएं इनको अपने ख़िलाफ़ ना करें बद दुआएँ दे करके उनको बर्बाद ना करें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हम तमाम वालदा को अपने औलाद के हक़ में दुआएँ करने वाला बनाए लान तान करने वाला गालियाँ देने वाला बद दुआ करने वाला ना बनाए आमी वसल वाल नबीना मोहम्मद वाल वसाब अज़माइन वसलम आलकम वरम्वर बैया